हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। आज मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कितने दिन उन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग ली और आज कौन सी कार चलाने जा रही हैं। हेलो मैम। हाय सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सिंथिया है। सिंथिया, ओके। और कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सर, मुझे 10-11 डेज हो चुके हैं। ओके, कौन सी कार से आपने सीखा है? मैंने सैंट्रो से, ऑल्टो से सीखा है। ऑल्टो से, तो उस पे क्या कॉन्फिडेंस रहा? आपने किस किस एरिया में कार चलाई लखनऊ में? मैंने काफी क्राउडेड एरिया में चलाई, गलियों में चलाई, मेन रोड्स पे चलाई, चौराहे के पास, तो काफी मैंने कुछ सीखा। पिकनिक स्पॉट रोड पे चलाई। आज कौन सी कार चलाने जा रही है? आज मैं अपनी न्यू कार चलाने जा रही हूँ, i20 N9। N9 जी, ऑटोमेटिक जी। ओके, कैसा फील हो रहा है? हार्ट बीट बढ़ रही है? हाँ। बढ़ रही है ना जी। कोई बात नहीं, हार्ट को एकदम थाम के रखिए। कोई दोस्तों, ये है i20 और ये ऑटोमेटिक है। मैं इसके आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। बहुत जबरदस्त गाड़ी है, इसमें क्लच नहीं है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लच नहीं है, ओनली एक्सेलेटर और ब्रेक है। बट इसमें गियर है, एक होती है AMT, एक होती है IMT। तो ये IMT है, इसमें सिर्फ क्लच नहीं है बट इसमें गियर है। देख रहे हैं आप, सेकेंड गियर है, इसमें गियर का पैटर्न है। तो इसमें क्या है ना कि क्लच नहीं, यहां पे आप देखेंगे अगर इस चीज को, तो ये एक्सेलेटर और ब्रेक, ये आपका ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है। बहुत इसको चलाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि क्लच नहीं दबाना, इधर जाके ऊपर रिवर्स गियर है, यहाँ पे ये है बटन लगाए, इसको ऐसे उठा के यहाँ से रिवर्स गियर है, ये फिर न्यूट्रल हो गया, ये फर्स्ट गियर है, ये वापस सेकंड गियर है, ये न्यूट्रल, ये थर्ड गियर है, ये फोर्थ, और ये वापस फिफ्थ गियर है, और ये रिवर्स गियर है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, सनरूफ है ये। चलिए मैडम, रेडी हो जाइए, बैठिए गाड़ी में। हाँ, मैं कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एकदम कूल होके बैठिए, पहले अपनी सीट एडजस्ट करिए, पहले बैठ के सीट एडजस्ट करिए। हेड रेस्ट वाला भी थोड़ा सा आगे करो, इधर है। हाँ, वो इसको उठा के, अब इसको थोड़ा सा आगे करना है, उसको उठाओ, बस अब ज्यादा हो गया। और बस अब देखो कंफर्टेबल है। अब एक दो बार एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, हाँ चेक करके देखो, सीट ऊपर कर। हाँ, दिख रहा है? दिख रहा है प्रॉपर? एक दो बार थोड़ा सा ब्रेक और एक्सेलेटर दबा के प्रैक्टिस कर लो, कि सारा गेम राइट पैर का ही है इसमें, समझ रहे हैं? क्योंकि क्लच तो है ही नहीं है। ठीक है, अभी ये डोर बंद करो, इग्निशन ऑन करो, इग्निशन ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन करो, ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन करो। हाँ हाँ, ब्रेक दबा के रखना, छोड़ना नहीं। ठीक है, अभी ये कांच उतारो नीचे, गुड। अपना लेफ्ट वाला और राइट वाला ORBM चेक करो, दिख रहा है प्रॉपर? अभी तो गाड़ी गेट के अंदर है ना, इसलिए। ठीक है, अभी आपको उस साइड में स्पेस है, हैंड ब्रेक लगाएं? हाँ लगा हुआ, डिस्प्ले में शो कर रहा है। अनलॉक करो, ब्रेक पे पैर रखे रहना, हैंड ब्रेक अनलॉक करो, हो गया। सीट बेल्ट डालो, इसका सेंसर चेंज करा रखा है क्या? ये इसका साउंड स्पोर्ट टाइप का है, स्पोर्ट वाला ही है। अच्छा, स्पोर्ट वाला ही है, ओके। ये भी कांच उतारो ताकि आपको सुनने में आसानी हो। चलो, अभी बैक गियर डालना है, बटन ऊपर उठाओ, हाँ मेरी तरफ लेके आओ, ऊपर जाओ, बस। अब देखो कैमरा ऑन हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, एकदम सीधी सीधी गाड़ी पीछे लाना है और मेरे इशारों को देखते रहना बस। चलो आ जाओ, आ जाओ, गुड। आ जाओ, आ जाओ, चलो, बहुत स्पेस है।
चलो चलो स्टॉप करो। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका ये वाला जो साइड मिरर है ये इस गेट से कितना आ गया। अब आपको अगर राइट जाना है ठीक है तो लेफ्ट पूरी स्टीयरिंग घुमा दो, अगर लेफ्ट जाना है तो राइट घुमा। अब जाना है हम लोग को इस साइड ठीक है, तो अभी लेफ्ट घुमा दो पूरी स्टीयरिंग फुल फुल घुमा दो। चलो जान, देखो कार आ रही पीछे, चलो आ जाओ जाने दो। अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORBM चेक करने हैं आपको, गजब। चलो जाने दो। हाँ हाँ शो आ सकते हो आप, चलो। तो आप एक्सीलेटर लो हल्का सा, गियर में तो ऑलरेडी है गाड़ी, फर्स्ट कर दूं। अरे बैक में भी ले जानी, अभी अंदर थोड़ी ले जानी। यहाँ जाओ, क्यों नहीं जा रही, जाओ हल्का एक्सेलेटर लो। क्या कर रहे हो आप, रेस ही नहीं ले रहे तो कहाँ जाएगी जब एक्सेलेटर। जाओ धीरे धीरे और जाओ और जाओ, चलो 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 जाओ 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 जाओ, बस अब स्टॉप करो, अब कर लो पहला गियर। यहाँ पे ढलान थी ना, चलो अभी निकालो स्टीयरिंग राइट काट के जाओ, चलो बड़ा हो जाओ, जाने दो और। चलो अभी स्टॉप कर लो, आइए बैठिए। अब हम लोग को भी तो बिठा लो, कहाँ भागे जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। सर इसमें पेट्रोल डलवाना है क्या? पेट्रोल बहुत है अभी है। चलो गुड, गजब। अब इसकी ग्लास देखो, ये जो साइड मिरर है लेफ्ट वाला आपको समझ में आ रहा है? Yes, और राइट वाला अभी आ रहा है। चलो अपना ग्लास चढ़ा लो कांच। चलो अब बैक गियर तो हटाओ, बैक गियर क्यों डाल दिया आपने? मुझे बस नॉर्मली फर्स्ट गियर। अरे ये छोड़ो, अब सिर्फ अब लगा फर्स्ट गियर। जैसे ब्रेक छोड़ो अपने आप चल, अपने आप बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बैक कैमरा अभी भी ऑन है, वो थोड़ी देर में अभी ऑफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गाड़ी बहुत गजब की है, स्पोर्ट है। चलो क्यों ऐसे हो रहा है, वो हो जाएगा, उसको छेड़ो मत, वो अपने आप हो जाएगा। उसको लग नहीं रहा कि वो फर्स्ट गियर में। नहीं नहीं फर्स्ट गियर में नहीं, तो गाड़ी चल कैसे रही है फिर? ये वाली तो बहुत इजी है, बहुत आसान है इसको चलाना, मैनुअल से आपने सीखा है ना, ये चलाना बहुत आसान है। गाड़ी बहुत विकट की है। थैंक यू सर। जाने दो। वैसे सर ये मैंने सिलेक्ट करी है, बहुत अच्छी गाड़ी लेडीज के लिए, तो और बहुत अच्छी है क्योंकि लेडीज के लिए क्या होता है ना कि वो क्लच वाला पंगा नहीं है इसमें कोई। अब आपको जो लग रहा था ना आप ऐसे दौड़ाओगी आप गाड़ी, बस अभी थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी है रोकने की बढ़ाने की, क्योंकि ब्रेक बहुत हल्का, चारों डिस है ना इसमें। हाँ। जैसे मेरी गाड़ी में फ्रंट दोनों डिस है, बाकी ड्रम थे पिछले, इसमें चारों डिस है, हल्का सा ब्रेक लगाओगी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। राइट का सिग्नल, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हॉर्न देना टर्निंग पे जरूरी है ठीक है। अब लेफ्ट वाले पैर का इसमें कोई रोल ही नहीं है ठीक है, जाने दो। तो इसमें मैं वो गियर चेंज कर दूँ? हाँ आप गियर चेंज कर सकते हो, इसमें कौन सा क्लच दबाना है। चलो जाने दो। हाँ। लेकिन जब गियर चेंज करो तो राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना कंपलसरी होता है इसमें भी, अभी आप ब्रेक पे पैर नहीं लाई थी, कंपलसरी है सेफ्टी पर्पस के लिए। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, इसकी स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है। हाँ वो नीचे और ऊपर हो जाती है, वो यहाँ से लेफ्ट स्लो करके। गुड, मम्मा को बड़ा शौक था कि वो देखे मुझे चलाते हुए। मम्मा तो भूतनाथ बहुत जल्दी लेके जाओगी मम्मा को आप इसी से। हाँ और क्या, इससे ले जाओ चाहे इससे ले जाओ, ले जा सकते हो आप, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। इसमें जो रेड पट्टियां हैं ना ये और सोने पे सुहागा हैं। जाने दो धीरे धीरे। हाँ इसमें ना फ्लोरिंग करवा लीजिएगा नीचे मैट, नहीं तो आप ये कारपेट खराब हो जाएगा। अच्छा। कारपेट जो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो ये आपका जो मैट है बाहर निकल के साफ हो जाया करेगा और कारपेट नहीं गंदा होगा। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट चलना है। देख के बहुत प्यार से इसको फर्स्ट गियर में कर लो। गुड। अब अगर आप कहीं ढलान पे या किसी स्लोपिंग वाले एरिया पे होगे ना, एक्सेलेटर नहीं लोगे तो गाड़ी नहीं चढ़ेगी। जैसे वहां पे गाड़ी बैक नहीं हो रही थी ना,
क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि गाड़ी गड्ढे में थी, बिना एक्सेलेटर थोड़ी, गाड़ी गियर में है बट बिना एक्सेलेटर थोड़ी बढ़ेगी, एक्सेलेटर लेने के बाद ही तो गाड़ी गियर में एक्टिव होती है। अभी बढ़ाइए स्पीड, पासिंग डिपर यूज किया आपने? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे मैडम? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। चलो रेस करो, जाने दो, बढ़ाओ। सीट बेल्ट नहीं, हाँ मैंने नहीं लगाई इसीलिए वो साउंड कर रहा है, बट अभी लग जाएगी। वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है और बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए आपको करवाया ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको लगानी हो या निकालनी हो तो आपको किसी की नीड ना हो, जरूरत ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार को पोर्च में खड़ी करना और निकालना, कम जगह में कार को पार्किंग करना, बाकी सीधा सीधा चलाना तो बहुत आसान होता है। yes. अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करते रहना, आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है। आपकी गाड़ी से 1.5 फीट ये बाहर निकला है आरबीएम, 1.5 फीट। इस गाड़ी में आपको 9 फीट लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए 9 फीट, समझ रहे हैं? क्योंकि 3 फीट के तो आपके साइड मिरर बाहर निकले हैं। अभी यहाँ से राइट चलना है, हाँ आज थोड़ा सब कुछ चीजें अभी समझानी है आगे जाके। अभी गियर फर्स्ट कर लो स्लो करके, हाँ स्पीड कम, यहीं से स्लो करके। हाँ किसको? हाँ कोई नहीं, अपना लेफ्ट ही दबा के रखो। हाँ अभी जैसे यहाँ पे रोको और नीचे उतारो गाड़ी थोड़ा, और अब रोको यहाँ पे पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक रोक लो, स्टॉप कर लो। हाँ मतलब ब्रेक ओनली, वो आदत पड़ी है ना। हाँ। ब्रेक लगाया गाड़ी रुक गई। हाँ। अब इसको न्यूट्रल करो। देखो होता है क्या है ना कि इसमें ब्रेक भी बहुत लाइटली यूज करना है, न्यूट्रल। हाँ। है अभी हैंडब्रेक डाल दो, हैंडब्रेक डाल दो तो गाड़ी, अब अपने पैर को आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? तो अब गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? अब आपको करना है क्या है, जैसे सपोज करो इसको बैक करना है, ठीक? बैक गियर डालो, पहले बैक गियर डालो, हो गया? अब हैंडब्रेक अनलॉक करो और सीधा सीधा लेके जाना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी, जाने दो धीरे धीरे, एकदम सीधी सीधी। हाँ जाने दो। अपने लेफ्ट वाले भी और भी हमको चेक करो, राइट वाले दोनों को चेक करना ताकि आपको पता, बाकी तो कैमरे में दिख ही रहा है। अभी जाने दो, हाँ और जाने दो। अब स्टॉप करो, अब गाड़ी आपको एकदम यहीं से घुमाना है तो पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो, फुल 90 डिग्री से घुमाओ। इतना समय लगाओगे स्टीयरिंग घुमाने में? हाँ चलो अभी छोड़ो ब्रेक को और गाड़ी आपकी लेफ्ट जाएगी, पिछला हिस्सा जो लेफ्ट जाएगा। चलो जाओ जाओ धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे, चलो चलो जाओ धीरे धीरे, जाने दो, जाओ, गुड गुड, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, और जाने दो और जाने दो, और बस स्टॉप। बस आपके लेफ्ट में पेड़ है, देखो पेड़ के साथ साथ एक झाड़ है, ये देखो ये वाली जो झाड़ दिख रही है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़, यहाँ तक आप जा सकते हो, अभी काफी स्पेस है। अब पूरी राइट घुमा लो स्टीयरिंग फुल। अब मुझे आगे चलना है, पहला गियर डालो, चलो कोई नहीं वेट कर लो, निकल जाने दो, चलो गुड, जाओ धीरे से। हाँ चलो 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 चलो, अभी सीधा चलना है हम लोग को, चलो बढ़ाओ। जाने दो, स्पीड मेंटेन करो, सेकंड गियर करो फुर्ती से। ब्रेक पे पैर आया था गियर चेंज करने के टाइम? हाँ चलो 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 बढ़ाओ स्पीड। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, पासिंग डिपर दूं? हाँ सिंगल रोड पे पासिंग डिपर ज्यादा यूज कर सकते हो सामने वाले को अलर्ट करने के लिए। हाँ देख रहे दोस्तों क्या गजब। जरूरत नहीं है, चला दिया मैंने ऊपर वाला ऑटोमेटिक वाला।
जाने दो धीरे धीरे, अभी स्पीड मेंटेन कर लो। सर इस रोड से दो गाड़ियां निकल जाती आराम से, बस बॉर्डर लाइन पे आना होता है आपका, जो बॉर्डर लाइन है लेफ्ट वाला उस पे पासिंग दीपर एक से दो बार मैक्सिमम आप, बहुत ज्यादा ये भी गाली ही होती है हॉर्न की तरीके से, एक बार दो, अगर नहीं वो हट रहा है तो लास्ट मोमेंट पे दो बार, नहीं बार बार नहीं। जैसे किसी को आंखें दिखाते हो ना तो समझ लो वही है ये। चलो अभी थोड़ी स्पीड ले लो, पासिंग रिपर, सामने से जो भी आए, अगर इस तरीके से कंजेस्टेड रोड पे आप चल रहे हो एकदम पतले रास्ते पे, तो वहां पे पासिंग रिपर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इधर से जो जा रहा है उसको अलर्ट करने के लिए हॉर्न, लेकिन सामने से जो आ रहा है तो उसके लिए पासिंग रिपर देना जरूरी है। मैं आज इसलिए आपको ये चलवा रहा हूँ कि कल से आप अपनी गाड़ी डेली निकालो, एक घंटे डेली निकालना है। बगल में आंटी को बिठाओ और बिंदास चलाऊं, ठीक है? देखो जितना ज्यादा, क्या नाम है आपका? सिंथिया। सिंथिया जी, जितना ज्यादा आप अकेली चलाएंगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे? और कुछ नहीं है हमें, हम लोग को एकदम स्ट्रेट जाना है अभी, एकदम स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट नहीं, एक काम करो यहाँ से ले लो लेफ्ट, चलो मानस सिटी की तरफ। स्लो करो सेकंड गियर में, तो ब्रेक ले लो हल्का सा, गाड़ी डाउन हो जाएगी, और स्लो करो। अब लेफ्ट चलो, टर्न करो धीरे धीरे, हाँ जाने दो, चलो भाई। फर्स्ट और सेकंड गियर में तो आप नॉर्मल चल सकते हैं, स्पीड कम। देखो रिक्शा से थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई क्लच ब्रेक नहीं है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो इसको, हाँ, और राइट दबा के निकाल लो, जाओ चलो राइट दबा के निकालो, हाँ गुड। पासिंग डिपर, हाँ स्लो करो हल्का सा, बस। देखो सिंथिया इसमें पासिंग डिपर का बहुत बड़ा रोल है, राइट दबाओ राइट हल्का सा, क्योंकि आप लेट हो गए ना तब तक वो तो बढ़ता ही आ रहा है फिर। भाई आप हॉर्न देने में लेट हो गए, आप ब्रेक लगाने में लेट हो गए, तो फिर समझ लो लेट ही हो गए। इसमें नजर हटी दुर्घटना घटी, सेकंडों का खेल होता है, समझ रहे हो? एक सेकंड का खेल होता है, ज्यादा देर का नहीं। बट चला अच्छा रही हो, हाँ वेलकम। अब जहां पे बस थोड़ा कंजेस्टेड है वहां थोड़ा ध्यान देना है। जाने दो, हाँ आप right. बगल में बैठे हैं, उसी में कॉन्फिडेंस आ जाए। बस स्लो कर लो हल्का सा इसको, फर्स्ट गियर में कर लो चलते चलते, स्लो कर लो, दो गाड़ी एक खड़ी ना रोक लो, बस अब राइट दबा के निकालो धीरे से राइट दबा के, हाँ इधर नहीं टकराएगी, गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें लेफ्ट चलना है, मानस सीढ़ी की तरफ चलना है, सिग्नल दो लेफ्ट का। बस ये जो लेफ्ट वाले लोग निकल रहे हैं बाइक से स्कूटी से, इनसे सबसे अलर्ट रहो, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजरों का सारा खेल है, जैसे सुई में धागा डालते हैं, 1% भी इधर उधर नजर गई तो धागा इधर उधर गया, तो वही वाला हाल है। बढ़ाओ स्पीड, पहले स्पीड बढ़ाते फिर गियर चेंज करते हैं, यही गलती आप मेरी गाड़ी में भी करती थी, पहले एक्सेलेटर लेके स्पीड मेंटेन करते हैं, देखा? पहले स्पीड मेंटेन करते फिर गियर चेंज करते हैं, या आप मेरी गाड़ी में भी गलती करती थी यही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने 10 से 12 दिन मेरी कार चलाई है और आज अपनी कार चला रही है, i20 स्पोर्ट ऑटोमेटिक, गजब का कॉन्फिडेंस है। अब इसमें मेरे पास तो कोई क्लच ब्रेक है नहीं दोस्तों, तो ये लोग बोल भी नहीं सकते कि नहीं आप भैया क्लच ब्रेक ले रहे हो, है ना? तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।